नदी में जादुई मेहंदी का पेड़। एक बार की बात है, सिया नाम की लड़की अपनी बुआ सुमित्रा के साथ रहती थी। सुमित्रा की भी एक बेटी थी जिसका नाम चंचल था। सिया के माता पिता का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था, इसी वजह से सिया अपनी बुआ सुमित्रा के साथ रहती थी। सिया बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ चंचल शक्ल से तो बदसूरत थी ही, साथ में वो सिया से भी बहुत जलती थी। लेकिन सिया की बुआ बिल्कुल ऐसी नहीं थी। सिया की बुआ सिया को बहुत पसंद करती थी। वो चंचल और सिया में कोई फर्क नहीं करती थी। चंचल सिया को हमेशा अपने घर से बाहर निकालने का प्लान करती रहती थी। एक दिन चंचल सिया के पास जाती है और कहती है, सुन सिया की बच्ची, तूने अपने माता पिता को तो खा ही लिया है, और तो और अब तू मेरी माँ से मेरा प्यार भी छीन रही है। अब मैं तुझे इस घर में ज्यादा टिकने नहीं दूंगी। नहीं नहीं चंचल दीदी, ऐसी बात नहीं है। बुआ आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उन्हें आपकी बहुत चिंता है। बहुत देर तक सिया चंचल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चंचल नहीं समझती। चंचल सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन सिया कभी भी चंचल की बातों का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन सुमित्रा सिया के पास आती है और उसे कहती है, सिया बेटी, तुम समझदार हो, सब कुछ अच्छी तरह जानती हो। चंचल की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन कोई भी लड़के वाला उसे देखता है तो वो शादी के लिए मना कर देता है और तुम्हें पसंद करके चले जाते हैं। सिया बेटी, बुरा मत मानना, आज शाम को चंचल को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए अगर कुछ समय के लिए तुम बाहर चली जाओ तो ठीक रहेगा। क्या पता चंचल का रिश्ता पक्का हो जाए। जी बुआ जी, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ। आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं आज शाम को अपने दोस्त के घर चली जाऊँगी। सिया और सुमित्रा की बात चंचल सुन लेती है। चंचल अपने कमरे में जाती है और एक प्लान बनाती है कि कैसे सिया को सुमित्रा के सामने बेइज्जत किया जाए। सिया की बच्ची, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? और तो और मेरी माँ भी तुझसे बहुत प्यार करती है। अब देख, मैं तुझे माँ के सामने कितना बेइज्जत करती हूँ। आज के बाद माँ तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। जब शाम को चंचल को देखने वाले आते हैं, तभी चंचल सिया को फोन करती है। सिया, कहाँ है तू? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो तुझे याद कर रही है, जल्दी घर आ जा। लेकिन जब मैं घर से निकली थी तब तो बुआ बिल्कुल ठीक ठाक थी, और वैसे भी आज आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बुआ की तबीयत खराब हो गई? सुन बेवकूफ लड़की, जल्दी से घर आ जा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुझे आना है तो आ, वरना मत आ। सिया चंचल की बातें सुनकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो भागती भागती अपने घर आती है। घर पर सब बिल्कुल ठीक ठाक था, लड़के वाले भी आए हुए थे। चंचल के रिश्ते की बात पक्की होने ही वाली थी कि तभी लड़के वाले सिया को देख लेते हैं, और तभी लड़के की माँ सुमित्रा से कहती है, अरे सुमित्रा बहन, ये चांद सी खूबसूरत लड़की कौन है? आपने इसे कहाँ छुपा के रखा था? मैं तो अपने बेटे अरुण के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की ढूंढ रही थी। बहन, ये मेरे भाई की बेटी है। कुछ समय पहले मेरे भाई और इसकी माँ का निधन हो गया था, तभी से ये हमारे घर पर है। मगर छोड़िए सब बातें, आप चंचल के रिश्ते की बात करिए। माफ कीजिए सुमित्रा बहन, मुझे तो आपकी भतीजी ही पसंद आ रही है। अब मैं चंचल को अपने घर की बहू नहीं, सिया को बहू बनाऊंगी। सुमित्रा लड़के वालों को साफ इनकार कर देती है। लड़के वाले सुमित्रा के घर से चले जाते हैं। जब लड़के वाले चले जाते हैं तब सुमित्रा सिया को बहुत डांटती है। सिया, मैंने तुझ में और चंचल में कभी फर्क नहीं किया, मैंने हमेशा तुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा समझा, लेकिन तूने अपनी औकात दिखा ही दी। तू चाहती ही नहीं थी कि मेरी बेटी की शादी हो। अब मैं तुझे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अब तू मेरे घर में एक पल भी नहीं रहेगी, निकल जा यहाँ से। चंचल वो सब देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। सिया अपनी बुआ को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन सिया की बुआ सिया की एक नहीं सुनती और उसको भगा देती है। सिया बिना कुछ कहे चुपचाप अपने बुआ के घर से बहुत दूर आ जाती है और एक नदी के पास आकर बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप लोग इस दुनिया में होते तो मुझे ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। सिया वहाँ पर बहुत देर तक बैठकर रोती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है। वो आवाज एक पेड़ से आ रही थी।
तभी सिया उस पेड़ के पास जाती है और पेड़ से कहती है, पेड़ तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। तुम भी मुझे अपनी परेशानी बताओ। जादुई पेड़ की बात सुनकर सिया अपनी सारी बात पेड़ को बताती है। सिया की पूरी बात सुनने के बाद जादुई पेड़ सिया से कहता है, सिया तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई मेहंदी देता हूँ। ये जादुई मेहंदी तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देगी। इस मेहंदी को जो भी लगाएगा वो बहुत सुंदर हो जाएगा और साथ ही बहुत अमीर भी। इस मेहंदी को कैसे इस्तेमाल करना है अब वो तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद जादुई पेड़ सिया को एक जादुई मेहंदी दे देता है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसे जादुई मेहंदी से क्या करना है। उसके बाद सिया फौरन अपनी बुआ के घर आती है। चंचल सिया को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सिया से कहती है, तू कितनी ढीठ लड़की है, माँ ने तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था और तू फिर से आ गई। रुको चंचल, मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद सिया अपनी बुआ को सारी बात बताती है। तू फिर यहाँ पर आ गई, तुझे शर्म नहीं है क्या? बुआ जी रुकिए, मैं एक चीज लाई हूँ, अगर चंचल ये मेहंदी लगाएगी तो वो बहुत सुंदर हो जाएगी और बहुत अमीर भी, फिर इसकी शादी की चिंता खत्म हो जाएगी। उसके बाद सुमित्रा बिना देरी करे चंचल के हाथ में मेहंदी लगा देती है। जैसे ही चंचल को मेहंदी लगती है वैसे ही वो बहुत सुंदर हो जाती है। वो सब देखकर सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है और सिया से कहती है, सच में सिया ये मेहंदी तो जादुई है। चंचल भी अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश थी और उसे अपने किए पर बहुत दुख होता है। जिस सिया के साथ उसने इतना गलत किया था उसी की वजह से आज वो इतनी सुंदर हो पाई थी। इसलिए वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि उसी ने सिया को घर से बाहर निकलवाया था। उसके बाद चंचल और सुमित्रा दोनों मिलकर सिया से माफ़ी मांगती है। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे समझने में गलती कर दी और तेरी बात बिना सुने ही तुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बुआ जी, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले की तरह एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। और इस तरह सिया अपनी बुआ की गलत फहमी दूर कर देती है और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है और हंसी खुशी सब साथ में रहने लगते हैं। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी। उन्हीं में से एक मोना नाम की परी रहती थी जो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी और उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम रानी परी था। वो भी मोना परी की तरह ही दूसरों की मदद किया करती थी। इस वजह से परीलोक में सारी परियां उन लोगों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, वो दोनों परियां बगीचे में बैठी हुई होती है तभी रानी परी मोना परी से कहती है, बहुत दिन हो गए हैं हम लोग पृथ्वी लोक पर नहीं गए हैं, चलो आज हम लोग ऐसा करते हैं कि पृथ्वी लोक पर चलते हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो तो बहुत दिन गए हैं, पर आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जाने का मन नहीं है, तुम अकेली चली जाओ। तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं जाती हूँ, तो फिर मैं अकेली पृथ्वी लोक पर कैसे जा सकती हूँ? जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम दोनों साथ में पृथ्वी लोक पर चलेंगे। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करती रहती है और फिर वो दोनों परी महल में वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी लोक पर अंजू और मंजू नाम की दो बहनें रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब से वो दोनों अकेले ही अपना जीवन गुजारती थी। अंजू और मंजू बहुत ही गरीब थी और इसलिए वो दोनों बहनें दूसरों के घर पर काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन की बात है, अंजू अपनी बहन मंजू से कहती है, यदि आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो हम लोगों को ऐसे गुजारा नहीं करना पड़ता और आज हम लोग भी अच्छे तरीके से रह रहे होते और अपने माता पिता का प्यार पा रहे होते। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर किस्मत का क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत में शायद यही लिखा था तो हमें यही मिल रहा है। हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, हमारी किस्मत ही बहुत खराब है जिस वजह से हम लोग इस तरह गुजारा कर रहे हैं। हमें तो अपने आने वाले दिनों का भी नहीं पता है कि हमें आगे काम मिलेगा या नहीं,
ये सब तो भगवान के ऊपर है कि भगवान ने हम लोगों की जिंदगी में क्या लिखा है। इसके बाद वो दोनों बहनें काम पर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ परीलोक में मोना परी ठीक हो जाती है। मोना परी के ठीक हो जाने के बाद मोना परी रानी परी के पास आती है और रानी परी से कहती है, चलो आज हम लोग पृथ्वी लोक पर घूम कर आते हैं। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। तुम उस दिन कह रही थी कि पृथ्वी लोक पर चलते हैं, तो हम आज चलते हैं। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो आज हम लोग पृथ्वी लोक पर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों परियां पृथ्वी लोक पर आ जाती है। पृथ्वी लोक पर आने के बाद वो दोनों पृथ्वी लोक पर घूमने लगती है। पृथ्वी लोक पर घूमते हुए रानी परी को प्यास लगती है और वो दोनों परियां एक घर में जाती है तो वहां देखती है अंजू और मंजू दोनों बहनें घर का काम कर रही होती है। रानी परी अंजू से कहती है, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, यदि तुम मुझे पानी पिला दो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। अरे आप तो परी हैं, इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो हमारा कर्तव्य है और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें आप लोगों के दर्शन हुए। और ये कहकर अंजू रानी परी को पानी दे देती है। जब रानी परी और मोना परी उन दोनों बहनों की घर की हालत देखती है तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है और रानी परी अंजू से कहती है, अरे तुम्हारे माता पिता नजर नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? इस पर मंजू उन दोनों परियों को बताती है, हमारे माता पिता नहीं है, हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब से हम लोग अकेले ही रह रहे हैं। अकेले ही रह रहे हो, ये तो बहुत ही दुख की बात है, पर तुम दोनों चिंता मत करो, आज से तुम लोग दुखी नहीं रहा करोगे। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अंजू मोना परी से कहती है, वो कैसे, आप ऐसा क्या कर देंगी? वो तुम्हें अभी पता लग जाएगा, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद मोना परी और रानी परी अंजू मंजू को अपने साथ बादलों में ले आती है। बादलों में लाने के बाद मोना परी अपने जादू से लिपस्टिक का घर बनाती है और रानी परी अपने जादू से सैंडल का घर बना देती है। और लिपस्टिक का सैंडल का जादुई घर देखकर अंजू और मंजू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो दोनों उन घरों को देखकर काफी ज्यादा खुश भी होती है। और अंजू उन दोनों परियों से कहती है, अरे यह तो आपने जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर बना दिए हैं, ये घर आपने किसके लिए बनाए हैं? ये हमने तुम्हारे लिए बनाए हैं। आज से तुम दोनों बहनें एक एक घर में रहना, एक घर में तुम रहना, एक घर में तुम्हारी बहन रहेगी। ये जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर हैं। तुम इनसे जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हें दे देंगे, साथ ही इनमें तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये घर सब काम अपने आप करती हैं। ये सुनकर अंजू मंजू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बादलों में आ गई है और उनके सामने जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर हैं। मंजू रानी परी से कहती है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम बादलों में इस तरह लिपस्टिक और सैंडल के घर के सामने होंगे, हमें तो ये किसी कल्पना सा लग रहा है। हाँ ये एकदम ठीक कह रही है, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, हम लोग तो बस यही सोचते थे कि हम लोग हमेशा गरीब रहेंगे, पर आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम आपका धन्यवाद कैसे करें। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुमने भी तो मुझे पानी पिलाया था, उसी का मूल्य समझ लो। वैसे भी हम परियां अच्छे लोगों की हमेशा मदद करती हैं और तुम दोनों बहनें तो बहुत ही अच्छी हो। इसके बाद वो दोनों परियां मंजू और अंजू को सुंदर लड़कियों में बदल देती है। और इसके बाद रानी परी उन दोनों से कहती है, आज के बाद तुम दोनों इन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर में रहना और हमेशा खुश रहना, और जब भी तुम्हें हमारी याद आए तो तुम हमें बुला लेना, हम लोग आ जाएंगे। जब तुम बादलों में रहने लगोगी तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी और धीरे धीरे तुम दोनों भी परी बन जाओगी। क्या आप सच कह रही हो, हम दोनों भी परी बन जाएंगे? पर ये कैसे हो सकता है, हम तो मनुष्य हैं, फिर हम लोग परियों में कैसे बदल सकते हैं? जब तुम इन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घरों में रहोगी
तो ये तुम्हें धीरे धीरे अपने आप परी बना देंगे, जिसे कुछ ही सालों के बाद तुम दोनों भी परी बन जाओगी और परीलोक में आ जाओगी, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान हो। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और तुम लोग आराम से इन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर का आनंद लो। इसके बाद मोना परी और रानी परी वहाँ से चली आती है और अंजू मंजू बादलों में उन जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर में रहने लगती है। अब वो दोनों बहनें बहुत ही खुश थी कि वो बादलों में जादुई लिपस्टिक और सैंडलों के घरों में रह रही है। वहीं दूसरी तरफ परीलोक में मोना परी और रानी परी भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उन्होंने किसी इंसान को उपहार में जादुई लिपस्टिक और सैंडल के घर दिए।